खुश है? हैप्पी? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। एंड टुडे इज माय बर्थडे। तो आज मैं हो गई हूँ 27 साल की और बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा बना रात में बर्थडे। और इतने सारे लोगों की विशेज़ आई हैं मेरे पास, इतने सारे लोगों के DM, YouTube पे मैसेजेस, अलग से कॉल। सुबह से मैं रात सोई भी मेरे ख्याल से 4 बजे हूँ, 6 बजे से कॉल आनी शुरू हो गई है, अभी तक भी कॉल आ रही है। बस मैं अपना खाना खा रही हूँ अभी, और घर पे डुल्लू और मैं हैं अभी। गौर साहब कहीं गए हुए हैं काम से, डैडी अपना वर्किंग निकल गए हैं, माँ किटी पार्टी में गई हुई हैं, भैया भी वर्किंग है, तो अभी मैं और डुल्लू घर पे अकेले हैं। अब शाम में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पहले हमारा कुछ कुछ और प्लान था, अब कुछ कुछ अलग प्लान है। हम सोच रहे नोएडा जाएंगे, वहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे। बट गौर साहब ने कहा कि शादी के बाद पहला बर्थडे है तो पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारा दोपहर में सेलिब्रेट करने का था फैमिली के साथ, फिर हमने सोचा कि शाम में जाएंगे, बट कुछ बन नहीं पाया ऐसा, मतलब कि हम कि दोपहर में सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि सब वर्किंग पे होते हैं, पापा भी घर पे नहीं है अभी, वर्किंग पे हैं। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं, वो तो कभी और भी बना लेंगे, नेक्स्ट डे बना लेंगे या कभी भी बना लेंगे, बट अभी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं बर्थडे। और अब देखते हैं शाम को कैसा बर्थडे सेलिब्रेट होता है, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया नहीं है, अब देखते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी विशेज मेरे को देने के लिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। दोस्तों डैडी के लिए मैंने बनाया है दोबारा पास्ता, चाय रेडी की मैंने रेडी कर दिया बिल्कुल, और ये पास्ता में मैंने कॉर्न डाल दिए हैं। गौर साहब को भी मैंने अभी खिलाया बट उनके में कॉर्न डालना भूल गई, बट डैडी के में मैंने डाल दिए हैं क्योंकि डैडी को बहुत पसंद है। तो हमारा पास्ता यम्मी सा दोबारा से रेडी है, इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो और डाल देते हैं बस। तो ये डैडी का गर्मा गर्म पास्ता है रेडी, एंड चाय भी। दोस्तों हमारी बुआ आ गई है खीर लेके, सुबह सुबह कॉल आ गया था, मैंने कहा मैं तो खीरा भी कभी भी खा सकती हूँ, बोल रही नाल टमाटर हो रही है, बताओ इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी सारी वो इतनी खीर, ये तो थोड़ी नहीं है, इतना हैवी हो रहा है कितना सारा मेरा, हाय हाय वो कितनी अच्छी है। पानी लाऊंगा मिक्सर के ना। तो जी नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग, आज है शिवी का बर्थडे। तो अभी हमने शिवी को बिल्कुल नहीं बताया कि हम शिवी को एक बहुत बढ़िया सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाले हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पर अभी पहले आ चुका हूँ जो हमारी वेन्यू है, जहाँ पर हम अपने बिल्कुल जो, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग हमारे जो करीबी परिवार की तरह हैं वो लोग बिल्कुल बर्थडे में आते ही, तो हमने ऐसे करके एकदम एट्रेंडम जो है बर्थडे पार्टी प्लान करी है, जिसमें सभी लोग हमारे करीबी मित्र परिवारजन जो भी हैं वो सभी लोग आ रहे हैं, और बर्थडे प्लान करा हुआ है। शिवी को सरप्राइज़ देने की एक छोटी सी कोशिश करी है जिससे उसका दिन बने और शिवी को अच्छा लगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में शिवी को बर्थडे विश तो कर ही दें, और इसको क्या नाम है, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने भी अपना शिवी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके शिवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत 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 थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने कल भी देखा कि शिवी के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी विशेज आईं, उन सब के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 हृदय से बारंबार आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहे हैं शिवी का बर्थडे, और स्पेशल बर्थडे ही नहीं, हम लोग जो है एक एक दिन बहुत अच्छा फील करते हैं जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपका प्यार देखते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको वेन्यू दिखाने वाला हूं कि जहां पर हम लोग जो है शिवी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आज। तो दिस इज़ द वेन्यू जहां पर आज शिवी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, ये हमारे बुलंदशहर में ही है क्वालिटी कैफेटेरिया, और यहां पर हम शिवी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये हमारे प्रिंस भाई आ चुके हैं, और जो हर्षित आ चुके हैं बुआ जी के बेटे, तो ऐसे करके अब कुछ करने वाले हैं। ये हमारी अनुष्का जी आ चुकी है, अनुष्का जी नमस्कार, कैसी हो आप? ये हमारी सिमरन जी आ चुकी हैं, ये हमारी अनु जी, अनु जी नमस्कार, अनु जी नमस्कार। ये हमारे आयुष बाबू आ चुके हैं, मोगली भाई। अब हमारे जो है शिवाय जी आ चुके हैं, शिवाय जी नमस्कार कर दो, शिवाय जी नमस्कार कर दो, शिवाय जी शिवाय जी शिवाय जी कुछ क्या कह रहे हो? मैं कल लौटने का, अभी चलेंगे, अभी चल रही जी। तो अनुष्का जी कैसा लगा यहाँ का? तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल,
और ये था मेरा आज का आउटफिट, ये पूरा दिख नहीं पा रहा होगा आपको। और अभी बज गए हैं 6:45 हो रहे हैं, हम हो चुके हैं काफ़ी लेट। और मैंने आज कुछ कंटेंट ऐसा बनाया नहीं क्योंकि मैं रील्स बनाने में, कंटेंट बनाने में, यूट्यूब शॉर्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैं पूरे टाइम थक गई भी। और सुबह सबके इतने सारे कॉल आए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही स्पेशल था, मतलब है, अभी था नहीं, अभी तो है, पूरा बर्थडे बचा हुआ है। और देखते हैं अब हम क्या करेंगे, अभी चलते हैं, मुझे आपको आइडिया नहीं है गौर साहब ने कहाँ क्या चीज़ प्लान करी है, बस मुझे बोला है रेडी होने के लिए, तो मैं बस रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हमारे लड़के की पता नहीं क्या नुमाइश सी लगा रखी है, क्या करवा रहे हो इससे? डॉगी सेज, मंकी सेज, गांधी जी के मंदिर है ना? नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते करो, नमस्ते टू ऑल शिवी व्लॉग्स, नमस्ते। अच्छा राधे राधे, राधे राधे करो, राधे राधे। वाह भाई वाह, देखो लड़का हमारा कितना प्यारा है। जय श्री राम। अनुष्का जी ठीक है, जब तक सब आ रहे हैं तब तक अपना मनोरंजन ही कर रहे हैं, सही बात है। और मनोरंजन का पात्र आपने हमारे लड़का बना रखा, देखो पीछे पीछे पीछ भग रहा है उसके कि मेरे संग ज्यादा जाती हो रही है। अरे गुप्ता जी आ गए, गुप्ता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत हृदय से बारंबार आभार, आप बहुत अच्छे टाइम से आए गुप्ता जी, बहुत बहुत थैंक यू गुप्ता जी। आप हापुड़ की टिक्की ज्यादा बढ़िया है, हापुड़ की भाई अगर ना हापुड़ की टिक्की बढ़िया लगती तो ये आते ही यहाँ बुलंदशहर की टिक्की की डिमांड करती। मंगाओ इसके लिए बढ़िया से पनीर वनीर। तो माँ वाला गिफ्ट फाइनली अब मैं खोल रही हूँ, मतलब भाई खोलेगी, मैं आप ही खोलो। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि बैग है इसमें जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बैग्स का बहुत बहुत ज्यादा शौक, मुझे बहुत ही पसंद है। अभी तो खैर मैं नहीं ले जा सकती, अभी मैं माँ इसको रख लीजिए, बहुत बहुत सुंदर है, थैंक यू माँ। और दीदी वाला गिफ्ट भी मैं, चलो ये बाद में खोलेंगे, तो अभी चलता है फटाफट से, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। तो जी बात कुछ ऐसी है कि अब शिवी और डैडी, माँ, माधव ये सब लोग घर से निकल चुके हैं और आ रहे हैं यहाँ पर वेन्यू पर जहाँ पर शिवी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। बट क्या कह सकते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, परिवार वाले जो भी हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हो सकता है शिवी पहले आ जाए, वो बाद में आए। गुप्ता इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी सरप्राइज है, इतने लोग हैं, बस इतने लोगों का सरप्राइज है। ये बात भी सही है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ तो कह दो, समय ही बताएगा गुप्ता। अब मोगली साहब कह रहे हैं कि समय ही बताएगा, आपको 10-15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, क्या होगा, फिर होगा बूम। प्रिंस भाई ठीक हो तुम? प्रिंस भाई बंदर जैसे नहीं लगते, मूड बहुत ऑफ। भाई इस आदमी का स्टेटस क्या क्या मिलता है तुम्हें, स्टेटस या तो मूड ऑफ, मूड बहुत ऑफ, ये मूड बहुत ऑफ। अच्छा आज का देखियो क्या है, आज लगाया भैया मूड ऑफ। जी हमारी शिवी बॉस आ चुकी हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। शिवी बॉस रुकी नहीं रही, गाड़ी इनकी रुकी नहीं रही। तो हमारी माता जी और शिवी दोनों आ चुकी हैं माता भाई के साथ। माता भाई नमस्कार, कैसे हो आप, और कैसे बाबू, ठीक हो? शिवी जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शिवी जी हमसे गुस्सा है आज कि शिवी जी का बर्थडे हम शायद नॉर्मली ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम डिनर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर।
शिवी जी आराम आराम से चलना, डैडी पकड़ देना जरा शिवी का वो मोबाइल और ये पकड़ लो। ये हमारे मोनू भैया जिनका हमारा क्वालिटी कैफेटेरिया है। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से शिवी, आराम आराम से। तो शिवी जी आइए, आप आराम से आइए, आराम से, बिल्कुल आराम से आइए शिवी जी। ये सरप्राइज होता था। खुश है? हैप्पी हैप्पी बर्थडे। यार सर ये रो रही है। हैप्पी हैप्पी। हेलो भाभी हैं उधर। शिवी शिवी भैया ने देखो उधर उधर ये देखो, तो भैया वाली तो भाभी है। हैं भैया सिर पे तो हाथ रख दो लड़की के अपनी के। हैप्पी कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हंस रही है, रही है, पहले कोई बता सकता है? कुछ पता नहीं था ना, हमने कहा हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे खाने के लिए। अब बंदर बंदर हो रही है, अभी तक रो रही थी तुम। चाची क्या कह रही है? गुप्ता जी, अरे बुआ नमस्कार। ये देखो नमस्कार, भाई प्रणाम। अब बताओ शिवी और क्या चाहिए अब तुम्हें? अपने घर वाले रह गए, तुम्हारे वाले लेट लतीफ हैं भाई। 7 बजे का बोला हुआ है, 7 बजे का बोला हुआ, अभी तक नहीं आ पाए। नहीं नहीं वो कोई आ गए थे घर पे, आ गए थे। ये हमारे छोटे भाई चाचा जी के बेटे रजत, ये गिफ्ट भी लाए हैं। क्या बात है, चाची कहाँ है? मम्मी आ रही है। अच्छा हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम है लड़का, लग क्या रहा है? वो तो है, हेयर कट डिफरेंट हो गया ना। हाँ ये डिफरेंट करता रहता है, कभी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े, कभी छोटे छोटे। अरे ताऊ जी आ गए, इधर ताऊ प्रणाम। सास भूल गया ताऊ जी का भी। सास तो हमारा भूल गया था। शिवी का पूछो बिल्कुल ऐसे है यार। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैं कह ताई जी आ रही है, मैंने कहा नाना कोई नहीं आ रहा, चाची मैंने कहा ना। शिवी कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? तुम खुश हो भाई, हमारा टारगेट यही है, तुम खुश रहने चाहिए। और मैं सुबह से भागा दौड़ी कर रहा हूँ। बोतल ग्लास दे देते दोस्त, एक किस बात पे क्या हुआ दोबारा बोलो माँ। मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ शिवी, मैं जींस डाल लूँ, ऐसी हम लोग भी तो चल रहे हैं, तो हाँ मैंने कैसे चल रही हूँ, तो कहती हूँ अब तुम तो खुश हो। मैंने कहा भाभी बता, नहीं की बात भी नहीं कर रही है, ये कहने लगी कि
ये थोड़े थोड़े स्टार्टर्स हैं जो अभी शुरू हुए हैं, अभी इन्हें शुरू करते हैं। सभी लोग अपना भोजन करें। आइए ताऊ जी। भैया ये माता जी, माता ही थक गई। आइए आइए जी। शिवी शिवी मेरे करण अर्जुन आ गए। अरे थैंक यू जी। ओहो क्या बात, पहली बार मिल रहा हूँ भाइयों की तरह से भूखे। उधर पापा खड़े हैं। देखो देखो देखो, बर्थडे गर्ल कितनी मेहनत कर रही है। ये लड़की इतनी मेहनत करके आपके लिए लेके आई है और आप मना कर रही हो। अरे सब थोड़ा थोड़ा साथ दो, उसमें क्या बात दो गई। बोल दिया तुमने बुआ को, क्या बोल दिया? मैंने कहा तो बहुत ही बड़ी नौटंकी। क्यों, ये नौटंकी क्यों है? आज एक भैया से कह रही है कि आज से जिन मजाक से भाभी का बर्थडे है। मैंने कहा सही कह रहा हूं, मैंने कहा कोई बैठ जाएगी थोड़ी देर, मेरा मन करने लग रहा। और फिर आई खीर के डब्बे लेके, मैंने कहा अरे वाह, मेरे को ये बर्थडे स्पेशल बना दिया आपने। कह रही सी क्या खाएंगे, बोले खीर अच्छी बना हुआ। सुबह से फोन कर रही, मैंने कहा खीर ले आओ। ओए मेरा बेटू आए। अरे वो अब रो रहा है इधर। वो हमारी छुटकी जो है वो कह रही है कि चाची को पहले गिफ्ट दिलवाओ। थैंक यू सो मच। ये तो इतना हैवी आप उठा भी नहीं पा रहे हो। हैवी नहीं है, हैवी नहीं है। थैंक यू सो मच बेटू, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे बेटू, आई लव यू। अरे यार, अरे यार, वो उनको ये लग रहा था पहले चाची को गिफ्ट दिला दो। सर नमस्कार, आ गए आप टाइम से है जी। सर टाइम मिल गया आपको। शिवी ये आ गए। हाँ लाला जी नमस्कार, कैसे हैं मेरे बड़े भाई? ठीक हो? सबको देख रहे हैं पहले। देख रहे हैं। ये देखो उधर, देखो उधर, उधर देखो, उधर देखो, देखो 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 देखो। पड़ी नमस्कार, पड़ी लुकिंग सो हैंडसम। भाई नमस्ते, भाई नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। ये होता देखा। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और मतलब यहीं पे एंड होने का मतलब ये नहीं है कि ये व्लॉग खत्म हो गया है। ये व्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कल वाला व्लॉग आपको टू बी कॉन्टिन्यूड वाला आगे का कल देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत बहुत स्पेशल व्लॉग है ये, क्योंकि मेरा ये बर्थडे बहुत स्पेशल रहा, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था, और बहुत स्पेशल है ये मेरे लिए बर्थडे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी विशेज मुझे दी, सब लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं, इतने सारे DMs, मतलब पूरे दिन भर, और WhatsApp पे भी इतने सारे। WhatsApp के तो मैंने सुबह के मैसेजेस का रिप्लाई देख ही नहीं पाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, रात में जाके किया मैंने, और पूरे दिन, मतलब ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। और आगे आप मिस मत करना, आगे का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और बहुत ही अच्छा रहा ये व्लॉग, मतलब ये दिन, ये व्लॉग, क्या मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और आप लोगों की विशेस से तो और स्पेशल हो गया मेरा ये बर्थडे। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझ तक हमेशा अपना प्यार बनाए रखें, खूब सारा, ढेरों सारा। और कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है? देखिएगा पार्ट टू, ये है पार्ट वन, कल वाला पार्ट टू। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।